जय श्री राम। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे पाएं। ये छोटा सा पौधा है ना, लेकिन इसमें कितने सारे फूल आ रहे हैं। तो इसका भी एक सीक्रेट है मेरे पास, जो आपको शायद कभी किसी माली ने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताऊंगी। ये आप देख सकते हो, मैं फ्लावर्स तोड़ रही हूँ, लेकिन किस तरीके से फ्लावर्स तोड़ रही हूँ है ना, थोड़ा यूनिक। इसको मैं स्टेम से कट कर रही हूँ। फ्लावर्स तो हम सब तोड़ते हैं, बचपन से तोड़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ से कैसे तोड़ना चाहिए जिससे कि पौधे की ग्रोथ रुके नहीं, बढ़े। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा फूल को वहाँ से तोड़े जहाँ से नई ग्रोथ आ रही है। चलिए मैं दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो, ये मैंने अभी कटिंग करी है आपके सामने, और ये मैंने कहाँ से करी है, जहाँ से राइट साइड से ऑलरेडी मैच्योर स्टेम दिख रही है मुझे, जिसमें 5 to 6 लीव्स ऑलरेडी हैं। तो यहाँ से अगर आप कटिंग करेंगे अपने पौधे की, और यहाँ का भी मैंने एक फूल अभी आपके सामने निकाला है, यहाँ से भी करी है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड से ऑलरेडी एक स्टेम आ रही है ना। तो हमेशा कटिंग यहाँ से ऐसी जगह से करनी चाहिए जहाँ से न्यू ग्रोथ आ रही है। तो और अराउंड एक हफ्ते पहले मैंने एक और कटिंग करी थी, ये वाली। तो यहाँ आप देख सकते हो 3 पत्ती की ऑलरेडी ग्रोथ आनी शुरू हो चुकी है। तो आगे से जब भी आप फूल तोड़ें तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें और ढेर सारे अपने पौधे पे फूल पाएँ।